मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में रिटायर्ड जवान ने तीन लोगों को गोली मार दी। आपको बता दें कि यह घटना ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के रसूलपुर की है। गोली लगने से दो पुरुष और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि आरोपी अभी फरार है। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में रसूलपुर इलाके में एक घटना हुई है, जहाँ पर एक व्यक्ति द्वारा तीन लोगों को गोली मार दी गई है, जिसमें से तीनों लोग जीएच अस्पताल में इलाज रहते हैं। घटना बताई जा रही है कि शाम के समय पर किसी बात पर विवाद हुआ था, उससे सुबह करीब 6:30 बजे के लगभग ये गोली मारी गई है। और गोली मारने वाला व्यक्ति भदौरिया यशवीर नाम लिखता है अपना, और इसके द्वारा पूर्व में किसी सेना में किसी में सर्विस की गई है और वहीं पे निवास करते हैं दोनों लोग। दोनों परिवारों के बीच में बिजली के लेकर कोई विवाद बताया जा रहा है। जो घायल व्यक्ति हैं वो इलाज रहते हैं जीएच अस्पताल में, पुलिस प्रकरण में टाइम ही कर रही है। सर, सुबह भाई जगह है, चाय पत्ती लेने गया दुकान पे, यशवीर सिंह भदौरिया आया है अपने पिताजी के साथ, घर में छेड़ तो वो आया है सर घर पे, उसने घर के बाहर भाभी थी और बड़ा भाई था धर्मवीर, उसमें गोली मारी है, भाभी में मारी है, खींचता नहीं। जब तक बड़े भैया आए देखने तो उनमें भी गोली मार के चला गया। तीनों राजवीर सिंह, धर्मवीर और नीना और संजना, चार जने घायल हैं, मेरी भी वाइफ है। हाँ, और भदौरिया ने गोली मारी, उसके बाप भी साथ में था, और दो बाप का नाम नहीं मालूम, यशवीर सिंह भदौरिया और उसके पिताजी और रंजीत और एक आदमी और है। हाँ, चार लोग। हाँ, क्या बजे पूरी रोड पे ये सर सुबह सुबह 6 बजे मार गया, रात में भी सर इसने घर के बाहर 2 बजे 3 फायर किए, और रात में 2:30 बजे करीब रंजीत के घर के बाहर भी इसने 2 फायर किए।